हमार झारखंड न्यूज, आपकी सोच आपकी खबर। झारखंड की उपराजधानी दुमका जिले के दारुकबन में अवस्थित बाबा बासुकीनाथ धाम का फौजदारी दरबार लंबे समय बाद गुलजार लग रहा है। बम बम भोले और हर हर महादेव की आवाज़ हर ओर सुनाई दे रही है। वहीं केसरिया रंग में पूरा इलाका सरोवर होते जा रहा है, लेकिन दूर दराज से आने वाले भक्त प्रशासन की इस व्यवस्था में बाबा का जलार्पण कर रहे हैं। वहीं प्रशासन के लोग भी सुलभ तरीके से सावन के इस पावन महीने में आने वाले भक्तों के भीड़ को नियंत्रण करने में लगे हैं। सावन के दूसरी सोमवारी से पहले रविवार की रात्रि की बाबा की श्रृंगारी किए जाने पर प्रशासन का दबाव बढ़ने और रात के 1 बजे पुनः मंदिर का पट खोलकर साफ सफाई कराने तथा प्रशासन द्वारा 2 बजे रात को ही पट खोल दिए जाने पर पंडा समाज प्रशासन से नाराज है। तीर्थ पुरोहित ने कहा कि पहले भगवान है उसके बाद भक्त होते हैं, लेकिन जिला प्रशासन अपनी मनमानी कर रहा है। वहीं बाबा के पूजन विधि के नियमों को अपने तरीके से बिना उचित समय का शुरू करा दिया जाना यह नियम के विरुद्ध है। भगवान भोलेनाथ का पूजा प्रेत मुहूर्त में कराना शास्त्र में वर्जित है। पट को ब्रह्म मुहूर्त में खोला जाए, नहीं तो पंडा समाज इसका विरोध करेगा। वहीं स्थानीय निवासी मुन्ना मिश्रा ने भी प्रशासनिक व्यवस्था पर नाराजगी जताई और कहा कि जिस तरीके से श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए प्रशासन पसीना बहा रहा है, उसी तरह से हर व्यवस्था पर नज़र होनी चाहिए। मेला की व्यवस्था में बहुत सारी खामियां रह गई है, जिससे स्थानीय लोग भी नाराज़ हैं और कुव्यवस्था की कुछ तस्वीरें भी आपके सामने हैं, जहाँ दूर दूर से आए भक्त शिवगंगा के निकट बने जलार्पण काउंटर के टीवी स्क्रीन पर जल चढ़ाकर जा रहे हैं, बाबा मंदिर तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, उनमें खासी नाराज़गी है। बहरहाल जो भी हो, भक्त बाबा फौजदारी के नज़दीक आते हैं, यही उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। और कहा जाता है कि बाबा फौजदारी अपने आप में एक महान हैं और भक्तों की श्रद्धा को जानते हैं। जो इनके पावन धरती पर आता है, उसकी मनोकामना पूर्ण होती है और सदा पूर्ण होती रहेगी। हर हर महादेव के गूंज से पूरा प्रांगण जहाँ पे गुंजमान हो गया है, वहीं महिलाओं पुरुषों की सेवा के लिए सहायता शिविर भक्तों का दिल भी जीत रही है। लेकिन कुछ खामियां हैं तो कुछ इसकी उत्साहवर्धक कार्य भी हैं। मेरा
व्यवस्था कैसी है यहाँ? व्यवस्था सब सही है। कितना सरकार व्यवस्था करेगी? एक दिन करती, एक दिन बाहर, एक दिन हो जाता है। दो वर्ष के बाद लगा है और जैसा प्रशासनिक व्यवस्था होनी चाहिए थी उसमें कहीं ना कहीं कुछ त्रुटि जरूर लगे। ऐसे लग रहा है कि या तो प्रशासन को ये अंदाज नहीं था मेला इसके दिन होगा, या फिर मेला अपना स्वरूप बदल रहा है। मेला से ज़्यादा यहाँ आस्था है, लोग आस्था में सराबोर होकर आते हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है? यहाँ जो अभी मेला लगा है और जो व्यवस्था है उस व्यवस्था से न जाने तो बम लोग खुश नहीं है। कारण उनका बैरिकेडिंग है, चारों तरफ एक तरह से कमर गार्ड की तरह लगा दिया गया हो। बम को सिर्फ एक साइड से जाने का रास्ता मिला है, जो हमारे ख्याल से जिस व्यवस्था में वो कहीं ना कहीं खलल डाल रहा है और जिस तेजी से निकासी होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। जैसे कि एक अभी हाल फिलहाल से एक बात आ रही है कि रात को 1 बजे से ही मंदिर में पूजा करना शुरू कर दिया जाता है, लेकिन ये व्यवस्था जैसा कि पूर्ववर्ती व्यवस्था था कि 4 बजे से मंदिर में पूजा शुरू होता था और रात 10 बजे हर हाल में मंदिर को बंद कर दिया जाता था। तो इस बार इस व्यवस्था में कहीं ना कहीं कुछ झोल है। किसी दिन 11 भी बजता है मंदिर को बंद करने में, किसी दिन 12 बजता है और किसी दिन मंदिर 1 बजे से ही खुला रह जाता है। ये इस पर रोक लगना चाहिए। बाबा हैं, हम लोग भी आराम करते हैं, बाबा को भी आराम की जरूरत है। हम लोग सब दिन से उनके प्रति आस्था है कि नहीं रात 10 बजे पट बंद हो गया तो सुबह 4 बजे खुलेगा और ये होना चाहिए। 4 बजे खुलना चाहिए और 4 बजे से 10 बजे रात तक कन्वर्ट।